दोस्तों इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के T20 सीरीज के लिए टीम घोषित कर दी गई है, जिसमें कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी और कुछ यंग स्टार भरे गए हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्हें वेस्टइंडीज के दौरे पर मौका मिलना चाहिए था। आज हम उन्हीं प्लेयर के बारे में बात करेंगे। नंबर 5 पर आते हैं मोहित शर्मा। दोस्तों मोहित शर्मा ने सरगुजा टाइटंस की तरफ से खेलते हुए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्हें भी इस सीरीज के लिए मौका मिलना चाहिए था। नंबर 4 पर आते हैं जितेश शर्मा। जितेश शर्मा ने इस साल पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए अपना डेब्यू किया था और यह भी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज में मौका मिलने के प्रबल दावेदार थे। नंबर 3 पर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस साल चेन्नई सुपर किंग की तरफ से चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। गायकवाड़ को भी इस सीरीज में मौका नहीं मिल पाया। नंबर 2 पर आते हैं रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने कोलकाता की तरफ से इस साल कुछ शानदार पारियां खेली है, मगर उन्हें भी T20 सीरीज में मौका नहीं मिल पाया। और नंबर 1 पर आता है बहुत बड़ा नाम विराट कोहली। विराट कोहली ने इस साल RCB के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, मगर उन्हें भी T20 सीरीज में मौका नहीं मिल पाया।